हाफिज गुलाम जी, एक बात बताइए, आज जो मुस्लिम समाज है अपने आप को बड़ा दहशत में महसूस कर रहा है, उसका क्या कारण है? नहीं, कारण तो स्पष्ट है, सारी दुनिया देख रही है। भारत में जो वातावरण बनाया जा रहा है और किसी विशेष सोच को जो थोपने की कोशिश की जा रही है और जो एक निहत्थों पर जहां कहीं भी वो मिल जाए और दाढ़ी टोपी वाला अगर हो तब तो फिर क्या कहना है, उस पर जो हमले किए जा रहे हैं या उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, उनके दिलों में दहशत डाला जा रहा है, उससे बड़ी बात यह है कि उसका वीडियो शूट करके और उसको सोशल मीडिया पर वायरल करके पूरे समाज को ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम भी कहीं हमें अगर तब मिल जाओगे तो तुम्हारे साथ भी हम ऐसा करेंगे। जाहिर सी बात, इस बात को लेकर दहशत तो है, लेकिन ये एक नकारात्मक पहलू है। दूसरा पहलू सकारात्मक ये भी है कि इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इन जालिमों के खिलाफ, इन मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ, देखिए ये सच्चाई है, सरकार चाहे जैसे भी बन गई हो लेकिन इस प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बहुत कम है भारत में। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है और इसमें संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास करने वालों की भी बहुत बड़ी आबादी है। तो हम लोग संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास करने वाले हैं और हमें आशा है कि हम इस पर काबू पा लेंगे। हमारे लोग हमारे साथ हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी दलित की है, बहुत बड़ी आबादी पिछड़ों की है, बहुत बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है, ये सब चिंतित हैं, सब मिलकर इस लड़ाई से लड़ेंगे, निपटेंगे, जीतेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।